झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन फिर एक बार विवादों में घिरे हैं। सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। झारखंड में पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत 11 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसमें मंत्री हफीजुल हसन के शपथ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शपथ की शुरुआत उन्होंने एक धार्मिक पंक्ति से की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस पर आज मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि ऐसा जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, मैंने भी वही किया। वहीं भाजपा के द्वारा दिए गए ज्ञापन पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो ज्ञापन दिया है उसमें हफीजुद्दीन अंसारी है, इस नाम से किसी भी विधायक ने मंत्री पद ग्रहण नहीं किया है। वहीं भाजपा ने यह माना कि वह प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन उनके नाम से पहले मधेपुर के विधायक लिखा हुआ है, इससे उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मधेपुर के विधायक वही हैं। वहीं शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रगान में उन्हें कपड़े ठीक करते हुए देखा गया, जिस पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। जो राज्यपाल को वो दिए हैं वो चिट्ठी पढ़े हैं तो किन्हीं के पास है वो चिट्ठी? उसमें मेरे बारे में तो नहीं बोले। हफीजुद्दीन अंसारी कोई लिए हैं शपथ तो उनके बारे में तो हम जानते नहीं। तो नया आदमी हफीजुद्दीन अंसारी लिया, मेरा नाम तो हफीजुल हसन। शिकायत मतलब बीजेपी ने जो शिकायत दर्ज कराई है वो हफीजुद्दीन अंसारी का। हम जो देखे जी ये सब इतना हड़बड़ा गया है ना कि सही से नामों नहीं जानता, वो सब जान अगबका गया है। हेमंत बाबू बाहर आ गए, इसीलिए हेमंत बाबू बाहर आ गए, उन लोग को आप कुछ नहीं सूझ रहा। अब बोलिए हम जब देखे, जब राज्यपाल माननीय राज्यपाल को आप दे रहे हैं और उसमें नाम गलत दे रहे हैं, ये तो राज्यपाल माननीय राज्यपाल को संज्ञान में लेना चाहिए कि आप क्या 81 विधायक में किसी का भी नाम हफीजुद्दीन अंसारी नहीं है तो कैसे शपथ ले लिए? कहीं जीनून तो नहीं ले लिया? हम लोग तो 11 आदमी लिए शपथ। नहीं नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि शपथ में आप अपनी तरफ से कोई गलती तो नहीं लेती है। देखिए जो भी मुस्लिम है जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, इससे पहले भी जब मैं विधायक नहीं था, पहली बार जब मैं शपथ लिया उस वक्त में भी ये पढ़ा, और कोई भी मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी भी मैं पढ़ा आप लोग से बात करने से पहले। और जो भी काम हम लोग खाना खाते हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं, कोई भी काम बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं किया जाता है। तो ये हम लोग कोई भी काम करेंगे, वहाँ भी हम पढ़े, इससे पहले भी दो बार हम पढ़े, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। दो बार मंत्री पद का शपथ लिए उसमें देख लीजिए, एक बार विधायक का शपथ लिए उसमें देख लीजिए। इन लोगों का सिर्फ यही है कि छोटी सी बात को और एक ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम करना, और कोई लेकिन झारखंड है, यहाँ किसी का दाल नहीं गिरेगा। गुरु जी की धरती है, गुरु जी ने सब किया है ना, कोई दूसरा किया है क्या बताइए? उनका किताब पढ़िए, हम तो अभी गुरु शिबू सोरेन विषम गुरु शिबू सोरेन का हम पढ़ रहे हैं, पहले अभी समर शेष है गुरु जी का हम पढ़ रहे हैं, जो विनोद कुमार भगत जी लिखे, अनुज कुमार सिन्हा जी ये लिखे। तो जो किए हैं गुरु जी आज उन्हीं का बेटा ना है, आज उन्हीं बेटा सबको अखड़ रहा है। लेकिन ये जिस जो फख्र है कि हम लोग गुरु जी का चेला है, मैं तो जब भी शपथ लिया हूँ गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के आए, कल दिन वो भी कर सकता है वो कि क्या है गुरु जी आशीर्वाद लेने गए, ये भी कर सकते हो। जी मेरे वालिद साहब गुरु जी के बहुत करीबी दोस्त में से घर जैसा हम लोग का ये है, आज मुझे भी फख्र है कि हमको गुरु जी परिवार में एक अच्छा मान सम्मान, और मैं भी वफादारी के साथ जिस तरह मेरे वालिद साहब 40 साल गुरु जी के साथ पार्टी में रहे, मैं भी वफादारी के साथ हेमंत बाबू साथ और उनके परिवार के साथ गुरु जी के साथ मैं हूँ और खड़ा रहूँगा टाउन। आपने देखा होगा कि उसमें जो चिट्ठी है उसमें नाम में हो सकता है कि वो मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन उसमें एक शब्द पहले भी लिखा हुआ है, मधुपुर से वर्तमान विधायक। क्या हफीजुल अंसारी जी ये स्वीकार करते हैं कि मैं
मधुपुर से विधायक नहीं हूँ। मधुपुर से विधायक कौन है? मधुपुर से कोई दूसरा विधायक तो नहीं है अभी। तो यदि वो नाम पर प्रश्न उठा रहे हैं, उसके पहले मधुपुर विधायक भी तो लिखा हुआ है। तो मधुपुर से माननीय सदस्य हैं, उससे स्पष्ट है कि नाम में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन विधायक तो मधुपुर से हैं वो, इसलिए उनको इसको बहुत क्या कहा जाए, मतलब ये बाल के खाल निकाल रहे हैं। असली मुद्दा है, उस पर बोलना चाहिए। संविधान में कहीं भी नहीं है कि आप किसी धार्मिक नारे के साथ, और ये उस समय आप अपना आप जनता से नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण में पहले महामहिम राज्यपाल एक अपना उच्चारण बोलते हैं, उसके बाद जो जो चीजें उसमें लिखी रहती हैं आप विधि सम्मत उसी का उच्चारण करते हैं। उसमें कोई आपको पहले से तय रहता है कि हमें इसमें क्या लेना है, या तो ईश्वर की शपथ या गॉड। आपने देखा होगा यही दो है, और सत्य निष्ठा, तो ये तीनों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप बोल रहे हैं तो क्या महामहिम ने वो बात कही? उसमें माना जाता है कि जो महामहिम आगे आगे बोल रहे हैं बाद में आप उसी का उच्चारण कर रहे हैं, और नहीं तो कोई कहीं पढ़ लेता। वो महामहिम जो बात आपको बोलेंगे वही बात आपको पढ़ना है। वो एक शुरुआत करते हैं, बाद में जो लिखा हुआ रहता है, जो विधि सम्मत जो वाक्य लिखे रहते हैं उसको आपको बोलना है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ अलग से इफ बट जोड़ते हैं तो उसका परमिशन तो आपने कहीं से नहीं लिया है। किस कानून ने आपको परमिशन दिया कि आप ऐसा बोलिए? आप सार्वजनिक सभा में, अपने सम्मान समारोह में, आप जनता से मिलते हुए आप उच्चारण कीजिए, कहीं कोई नहीं रोक रहा है, हम लोग भी नारे लगाते हैं। लेकिन वहां आप देखें कि वह नियम क्या है। वहां जो उच्चारण महामहिम राज्यपाल करते हैं उसके बाद आपको उसी प्रकार से बोलना है, उसमें कुछ अपना चीज नहीं घुसाना है। वो बता दें कि क्या शपथ ग्रहण का जो उनको मिला था पढ़ने के लिए उसमें ये बातें लिखी हुई थी। इसलिए ये कुतर्क है। आज तो अब संवैधानिक पद पर हैं, अब तो वो इस राज्य के मंत्री हैं, और मंत्री के रूप में उन्होंने जो भूल की है उसको स्वीकार करना चाहिए। अब उनको ये कौन बताएगा? आप देखे होंगे राष्ट्रगान चल रहा है और वो अपना गमछा को समेट रहे हैं, सब लोग स्टैंड में हैं, हाथ नीचे में सावधान की मुद्रा में है, और उस समय वो उस मुद्रा को भंग कर रहे हैं। क्या इसमें भी उनको सिखाना पड़ेगा? आपने देखा होगा वीडियो, आप देखने निकाल करके। तो ये एक राज्य का मंत्री अगर राष्ट्रगान का अपमान करे, कहां से ये उपयुक्त है, कहां से विधि सम्मत है?